Subscribe my channel and press bell icon for new video updates. Also like and comment. नमस्कार, मैं शारदा, शारदाज किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रुई जैसी स्पॉन्जी इडली। इसकी रेसिपी जानने के लिए आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। ये बाउल से मैंने 6 बाउल चावल लिए। चावल को मैंने अच्छी तरह से साफ करके 3 पानी से धोकर लिया है। यही बाउल से मैंने 1.5 बाउल उड़द की दाल लिए, इसे भी अच्छी तरह से साफ करके 3 पानी से धोकर लिया है। इसमें पानी ऐड करना है, पानी थोड़ा भीगने के लिए ज़्यादा ही रखना है। इसे हमें 5 घंटे तक ऐसे ही पानी में भीगने के लिए रखना है। दाल में भी पानी ऐड करना है। ये 5 घंटे हो चुके हैं, पानी में से हमने चावल निकाल लिए और दाल को भी निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने इंद्रायणी चावल लिया है, आप कौन से भी प्रकार का चावल ले सकती हूँ। यहाँ पे मैंने पोहा लिया है, इसे हमें भिगो कर लेना है। इसी बाउल से मैंने दाल और चावल लिए थे, इसी बाउल से मैंने पोहा भी लिया है। इसे अच्छी तरह से धोकर लेना है, इसका हमें पानी निकाल लेना है। 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है, तब तक हम दाल को पीस लेते हैं। इसे हमें फिर से पीस लेना है। ये ग्राइंड करते समय थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके। ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, इसे हमें फाइन ग्राइंड कर लेना है। इसे निकाल लेंगे। हमें अभी चावल पीस लेना है। दाल को ज़्यादा बारीक करना पड़ता है, चावल को ज़्यादा नहीं बारीक करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। हमने पोहे भिगो कर लिए, इसे चावल में ही ऐड करना है बारीक करते समय। पोहा डालने से स्पॉन्जी और मुलायम इडली तैयार होती है। और दाल में हमें ये चावल का भी ऐड करना है। देखिए जैसे सूजी रहती है ना, वैसे ही ग्राइंड कर लेना है हमें। ज़्यादा बारीक करने से चिपचिपी हो जाती है। इस प्रकार मैं सारे चावल मिक्सी में पीस कर लूँगी। दाल और चावल दोनों भी अच्छी तरह से पीस चुके हैं। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है अच्छी तरह से। 4 या 5 मिनट तक हमें ऐसे ही फेंट लेना है। इसकी आप कंसिस्टेंसी देखिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। ये चम्मच से गिर रहा है तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट बैटर बन चुका है हमारा। इसे हमें 12 घंटे के लिए फर्मेंट करने के लिए रखना है। अगर गर्मियों के दिन है तो जल्दी फर्मेंट हो जाता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में थोड़ा टाइम लगता है। इसे हमें गर्म जगह पे ही फर्मेंट करने के लिए रखना है। जनरली दोपहर में मैं 12-12:30 बजे दाल चावल भीगने के लिए रखती हूँ। 5 या 6 बजे उसे मिक्सी में ग्राइंड करके लेती हूँ। रात भर उसे फर्मेंट के लिए रखती हूँ और सुबह के नाश्ते के लिए बहुत बढ़िया बैटर बन जाता है। ये इडली का बैटर हमारा रेडी है। इसे 12 घंटे तक मैंने फर्मेंट कर लिया है। देखो कितने अच्छी तरह से फूल चुका है। इसमें हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। छोटे स्पून से हमें बेकिंग सोडा ऐड करना है, 1 स्पून ही डालना है। इसे हमें मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। ये मेरे पास इडली में करें, इसे हमें तेल से ग्रीस कर लेना है पहले, ताकि हमारी इडली से चिपके ना। इसमें हमें बैटर डालना है। ये इडली फूलने के लिए थोड़ी जगह लगे तो थोड़ा कम ही ऐड करना है हमें। इडली मकर में मैंने
एक ग्लास पानी डाला था, ये पॉट हम इसमें रख देंगे। ये सारे प्लेट्स मैंने रख दिए, इसे हमें ढककर रखना है और मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए हमें रखना है। 10 मिनट हो चुके हैं, गैस को बंद करना है। इसे हमें 5 मिनट तक ठंडा होने देना है। ये हमारी इडली रेडी है, इसे हमें स्पून से निकाल लेना है। देखो कितनी इजीली निकल जा रहा है और बहुत अच्छी तरह से फूल भी चुकी है। इस प्रकार आप अच्छे अच्छी इडली बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। तो लीजिए गर्मा गर्म इडली सांभर रेडी। इडली को आप सांभर और नारियल की चटनी के साथ खा सकते हो। मैं आपको एक इडली तोड़कर दिखाती हूँ। हाँ हाँ, मस्त, अंदर से तो कितनी अच्छी दिख रही। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।